हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल पे क्राफ्ट्स बनाना सीखते हैं, अलग अलग तरह के घर के वेस्ट मटेरियल से और बहुत सारे यूनिक चीज़ें भी सीखते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक वेडिंग ब्लॉग में, जहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े टिप्स रिकॉर्ड किए हैं। जैसे कि ये वो लॉन है जिस लॉन में मैं वेडिंग में गई थी, और फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि बाराती आ चुके थे। बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन था, बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन था, बहुत ही टेस्टी खाना था, और इस समय शादी सीज़न चल भी रहा है। सो, मैंने ये रिकॉर्ड किया ताकि आप लोग देख सकें। ओके, यहाँ पे फ्लोर है, ये जयमाल का स्टेज है, और ये देखिए दूल्हा कितने ही मज़े से डांस कर रहा है, बहुत ही इंजॉय कर रहा है। बिकॉज ये वेडिंग जो है ये लव मैरिज शादी थी, तो दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को बहुत ही सालों से जानते थे, इसलिए सभी और इस साइड लड़की वाले दूल्हे के वेलकम में खड़े हैं बहुत ही ज़ोरों शोरों से। सो अभी हम दिखाते हैं, ये देखिए अभी लड़की वाले जो है वो लड़के वालों का वेलकम कर रहे हैं माला पहना करके और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। उनके वेलकम के बाद फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हम मैंने यहाँ पे क्या क्या किया। ओके, सो मैं आपको दिखाऊंगी कि वेलकम हो रहा है यहाँ पे सभी का। देखिए फूल छिड़क करके माला पहना करके सभी लोग बड़े ही ज़ोरों शोरों से वेलकम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे दूल्हा आ चुका है अंदर, और अब उसकी पूजा हो रही है, जिसको कि यहाँ पे द्वार पूजा कहते हैं। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इस पूजा को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए ढोल नगाड़े के साथ वेलकम किया गया है सभी का। यहाँ पे कुछ नाश्ता है जिसमें कि गोलगप्पा, चाट, टिक्की और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें थी। इस साइड में खाना है जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी बाराती आए हैं। फिर यहाँ पे ये पानी पूरी है, मैंने तो बहुत खाया और बहुत टेस्टी था। यहाँ पे लड़की वालों ने डांस किया, ये लोग थोड़े से मारवाड़ी स्टाइल के थे, सो इन्होंने अपना कल्चरल डांस किया अपने वहाँ के सॉन्ग पे, क्योंकि इन्हें हिंदी सॉन्ग पे डांस नहीं आता था। देन फिर लड़के वालों ने डांस किया अपने सॉन्ग पे प्योर बनारसी स्टाइल में। फिर उसके बाद हमने बहुत सारा इन्जॉयमेंट किया, और फिर हम नाइट में करीब 12:30 बजे घर आए। सो ये डांस आप देख रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। देन अब हम आपको दिखाते हैं लड़के वालों का डांस। ये देखिए दोनों, ये जो लड़के के दोनों भाई हैं वो दोनों जम के डांस कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ही खुश हैं क्योंकि इनके घर में नए मेम्बर आने वाले हैं। ओके, सो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। देन हम देखेंगे आगे की चीज़ें जो कि वेडिंग में होती है। सो ये देखिए अभी ये दुल्हन का वेलकम हो चुका है, दुल्हन आ रही है। दुल्हन भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी और बहुत ही लाइट मेकअप दिया गया था दुल्हन को। दुल्हन के भाई उसके ऊपर ये छांव लगा करके उसे लेकर गा रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और फिर वो स्टेज के पास जाएंगी। देन दूल्हा उन्हें पकड़ने आया, ये देखिए दूल्हा उन्हें पकड़ कर ले गया। बहुत ही ब्यूटीफुल कपल थे दोनों, और दोनों जॉब करते हैं, सो हैप्पी कपल भी हैं। देन ये वरमाला का टाइम है, यहाँ पे वरमाला हो रहा है। देन वरमाला में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं, और यहाँ पे पहना दिया गया है। फिर इन दोनों लोगों का फ़ोटो सेशन होगा, उसके बाद आशीर्वाद होगा। वरमाला भी स्टेज भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। देन फिर उनके सिस्टर्स ने परफॉर्म किया स्टेज पे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही शांति से ब्यूटीफुल था। प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज मैं फैमिली के साथ थी और थोड़ा सा बिजी भी थी, इस वजह से सॉरी। बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, मैंने शेयर करके देख लीजिए। उसके बाद फिर उनके भाई लोग और उनके फ्रेंड्स ने भी डांस किया स्टेज पर ही, जिस तरीके से उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। खुशी की बात खाने पे चलते हैं, तब तक खाना खुल चुका था। ये सर्व करने वाला एरिया है। ओके, इधर सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये एट लास्ट ये बंद हो जाता है 10 बजे, उसके बंद होते होते भी तो लाइट
गए इस बार।